नमस्कार, मैं मणिभूषण। पैरामीशियम के पांचवें पार्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट के वीडियो में हमने उसके क्लासिफिकेशंस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आदि के बारे में सारी स्टडी करी। इस पार्ट के उसके प्रचलन या लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे। पैरामीशियम किस तरह मूवमेंट दिखाता है या किस प्रकार से प्रचलन या लोकोमोशन करता है। माफ कीजिएगा, पैरामीशियम की शरीर की आकृति धारा रेखित होती है जो इसे जल में तैरने में बहुत सहायता करती है। हम जैसे पढ़ चुके हैं पहले, ये एक चप्पल के आकृति का होता है और बड़ी बॉडी स्ट्रीम इसकी बॉडी होती है जो इसको जल में तैरने में बड़ी सहायक होती है। सीलिया के स्पंदन द्वारा इसे शीघ्रता से तैरने में सुगमता होती है। हम पहले पढ़ चुके हैं ये सीलिएटा क्लास में आता है। इनकी विशेषता होती है कि इनकी बॉडी के चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं। यह सीलिया हमने इसका सीलिया के इंटरनल सीलिया का स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 9+2 संरचना वाला होता है। तो यह सीलिया में जो स्पंदन होता है इसके थ्रू यह पैरामीशियम जल के अंदर तैरता है। इसकी जो गति होती है इसकी 1500 μ या इससे भी अधिक प्रति सेकंड की गति से यह तैर सकता है। हम बात करते हैं कि ये सीलिया जो है इसके स्पंदन किस तरह के होता है। सीलिया में पक्षमादी स्पंदन किस तरीके से होता है, सीलियरी बीट्स किस तरीके से होते हैं। गति करते समय प्रत्येक पक्षमाप पेंडुलम की भांति दोलन करता है। प्रत्येक दोलन में दो स्ट्रोक होते हैं। पहला जो स्ट्रोक होता है वह इफेक्टिव स्ट्रोक तथा दूसरा जो स्ट्रोक होता है वह रिकवरी स्ट्रोक होता है। इफेक्टिव स्ट्रोक को हम प्रभावी स्ट्रोक भी कहते हैं, रिकवरी स्ट्रोक को हम पुनः प्राप्ति स्ट्रोक भी कहते हैं। जो प्रभावी स्ट्रोक अथवा पीछे की ओर होने वाला प्रबल आकार पक्षमाप कुछ वक्रित और दृढ़ होकर एक पतवार की भांति जल से टकराता है। मतलब सीलिया पहले पीछे की तरफ तेजी से मूव करता है, वो थोड़ा तिरछा मूव करता है जिससे कि क्या होता है, जैसे पतवार नहीं चलाते नाव के अंदर, एक पतवार बिल्कुल पीछे की तरफ चोट करता है, नाव आगे बढ़ती है। बिल्कुल उसी प्रकार से सीलिया भी पीछे की तरफ एकदम से झटके से मूव करता है और थोड़ा तिरछा मूव करता है। इस स्ट्रोक को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक। फिर वापस से ये सीलिया अपनी पुरानी स्थिति में आगे की तरफ आता है, इसको हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक या पुनः प्राप्ति स्ट्रोक। शरीर के समस्त पक्षमाप स्टिमुलेटली या समक्षणिक एवं मुक्त रूप से गति न करके प्रगामी रूप से एक विशिष्ट तरंग के समान गति करते हैं। मतलब शरीर के जितने भी सीलिया है पहले तो एक साथ भी सारे मूव नहीं करते और अलग अलग भी मूव नहीं करते, वो एक विशिष्ट लय के अंदर मूव करते हैं। वो ऐसा मूव करते हैं कि पूरी बॉडी में एक तरंग बनती हुई नजर आती है, उसी तरंग के द्वारा वो आगे बढ़ता है। जो ये तरंग बन रही है वो जो सीलिया की, उसको हम कहते हैं मेटाक्रोनल रिदम या अनुक्रमिक लय। एक अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित पक्षमाप एक विशिष्ट तरंग स्पंदन करते हैं जो अगले सिरे से आरंभ होकर पिछले सिरों की ओर बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अनुदैर्ध्य पंक्ति में स्थित प्रत्येक पक्षमाप अपने पीछे के पक्षमाप से सदैव पहले गति करता है। यह तरंग कैसे बनती रहती है कि पहले तो उसकी बॉडी में जो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य एक्सिस के तरफ लाइन से जितने भी सीलिया पाए जाते हैं, एक लाइन से लंबाई के जितने भी सीलिया पाए जाते हैं, वह एक लय में गति करते हैं, जिसके अंदर पहले वाला सीलिया अपने से पीछे वाले सीलिया से पहले मूव करता है, जिसके कारण से वह लहर बनती है। वो जितने भी सीलिया एक साथ लाइन में ढेर सारी लाइनें खड़ी है वह सब इस तरीके से अगर एक तरह से मूव करते हैं तो क्या होता है, एक लहर बनती हुई नजर आती है जिसके द्वारा सीलिया आगे एनिमल आगे बढ़ता है। एक अनुप्रस्थ पंक्ति में पक्षमाप स्टिमुलेशन तुल्यकालिक रूप से बात करते हैं, वही जो मैंने पहले बताया था। अनुदैर्ध्य पंक्ति में जितने भी पक्षमाप है वो क्या करते हैं, हमेशा पहले वाला सीलिया पीछे वाले से पहले मूव करता है, परंतु जो अनुप्रस्थ पंक्ति के अंदर जो सीलिया है वह सारे के सारे एक साथ एक ही तरह मूव करते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि एक लहर बनती है जो आगे से पीछे की तरफ जाती है, जिसको हम मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं। पैरामीशियम के आगे की ओर बढ़ते समय अनुक्रमिक तरंगे उसके पिछले सिरे से अगले सिरे की ओर बढ़ती है। जो अनुक्रमिक तरंगे ऐसी बढ़ती है पीछे से आगे की ओर जा रहा है। अब हम ये इसके डायग्राम है जिसके अंदर बताया गया किस तरह, पहला जो ए डायग्राम के अंदर बताया गया कि इफेक्टिव स्ट्रोक है और बी डायग्राम में दिखाया गया रिफेक्टिव स्ट्रोक किस तरह पे देखा। हम ए डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले पोजीशन नंबर पहले सीलिया वन पोजीशन में था, फिर हल्का सा मूव करके सेकंड पोजीशन में आता है, फिर थर्ड पोजीशन में आता है, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ पोजीशन में आता है। इस प्रकार से पूरी एक इफेक्टिव स्ट्रोक कंप्लीट होती है। फिर बी डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सीलिया किस प्रकार से वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ रहा है,
छठी स्थिति में था, फिर सातवीं में आया, फिर आठवीं में, फिर नवीं में, फिर दसवीं के अंदर। तो यह पूरा रिकवरी स्ट्रोक है। अब होता क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडनल पंक्ति, जहां एक लाइन में जितने भी सीलिया है उसमें पहला वाला जो सीलिया है वह इसी प्रकार से पहले मूव करता है, उसके जस्ट वाला सेकेंड मूव करता है, फिर थर्ड मूव, मतलब आगे वाला सीलिया पहले वाले से थोड़ा पहले मूवमेंट दिखाता है। परंतु जो अनुप्रस्थ पंक्ति में जितने सीलिया है वह सारे एक साथ मूवमेंट दिखाते हैं, जिससे कि मेट्राकोनल रिदम बनती है और एक लहर बनती है, जो लहर पीछे से आगे की ओर जाती हुई दिखाई देती है और इसके अनुसार पैरामीशियम आगे की तरफ मूव करता है। अब ये देख सकते हैं इसमें दूसरे डायग्राम के अंदर दिखाया है कि एक पंक्ति के अंदर किस प्रकार से सीलिया मूव कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि एक दो तीन चार पांच छह सात पूरे सीलिया का मूवमेंट दिखाया गया है, किस प्रकार से पहले से पहली पोजिशन, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए पहली पोजिशन, फिर दूसरी पोजिशन, तीस, किस प्रकार सीलिया मूव कर रहा है। ये एक रिकवरी स्ट्रोक कहलाता है, एक इफेक्टिव स्ट्रोक कहलाता है। और किस प्रकार से एक समूह के अंदर जब सीलिया मूव करता है तो किस प्रकार से मेटाकोलोनल रिदम बनती है, इस दोनों डायग्राम के अंदर पूरी के अंदर दिखाया गया है। अब मोड ऑफ स्विमिंग की बात करते हैं कि गति किस प्रकार से तरण करता है। गति करते समय यह एक सीधे मार्ग से नहीं चलता है, बल्कि राइफल की गोली की भांति बाईं ओर चक्रण करता हुआ चलता है। पहली बात, जब गति करता है ना तो ये बिल्कुल सीधा ही तैरता है, बंदूक की गोली नहीं होती जब जैसे दागते हैं, बिल्कुल घूमती हुई आगे की तरफ बढ़ती, उसी प्रकार से लेफ्ट साइड पे मूव करता हुआ बंदूक की गोली की तरह आगे बढ़ता है। इसका रीजन क्या है, इसके शरीर के पक्षमाप ठीक पीछे की ओर गति स्पंदन न करके कुछ दाहिनी ओर तिरछे स्पंदन करते हैं, जो इसके एक एक सीलिया है बिल्कुल पीछे की तरफ अपना इफेक्टिव स्ट्रोक नहीं लगाता, हल्का सा दाहिनी तरफ स्ट्रोक लगाता है। दाहिनी तरफ स्ट्रोक लगाने से वह थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाता है। और दूसरा, मुख्य कांच के पक्षमाप तिरछे और अधिक तेजी से गति करते हैं, इसके जो बकल अपरटस के जो सीलिया होते हैं वह तिरछे होकर बहुत तेजी से गति करते हैं। ये दो रीजन ऐसे हैं जिसके कारण ये बंदूक की तरह, यह बंदूक की तरह बाईं तरफ घूमता हुआ, बंदूक की गोली की तरह बाईं तरफ घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। पीछे की ओर गति करते समय पैरामीशियम एक सीधे मार्ग का अनुसरण करता है, दिशा में अनुक्रमिक तरंगे आगे से पीछे की ओर चलती है। ऐसा वास्तव में तब होता है जब प्रभावी स्ट्रोक आगे की दिशा में लगता है। अब जब ये बैक मूवमेंट करता है पैरामीशियम तो बिल्कुल जो फ्रंट मूवमेंट करता है उसकी बिल्कुल अपोजिट प्रतिक्रियाएं होती है, जिससे के कारण वो आगे की तरफ ना बढ़ के पीछे की तरफ बढ़ता है। उसमें मेटाकोनल रिदम जो होता है आगे से पीछे की तरफ आता है। हमने देखा था मेटाकोनल रिदम आगे बढ़ने की तरफ पीछे से आगे की तरफ चलती है, जिसको हम कहते हैं अनुक्रमिक लय, और पीछे करने की दिशा पर बढ़ने की दिशा में अनुक्रमिक लय आगे से पीछे की ओर आती है, जिससे कि ये पीछे की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पैरामीशियम में पक्षमापी गति की यांत्रिक के विषय बहुत कम अध्ययन हो पाया। अब यह ज्ञात हुआ है कि प्रभावी एक समन्वित तंत्र के अनुसार गति करते हैं, पक्षमापों के अंदर स्थित परिधि तंतु के संकुचन द्वारा उसमें गति होती है, इसके अंदर जो ऊर्जा मिलती है वो सारी ऊर्जा उसको एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। यह एक सामान्य बात है जिसकी हम करते हैं। यह हम डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता हुआ पैरामीशियम गति कर रहा है। हम देखते हैं पहले डायग्राम के अंदर वो है, फिर इसमें एरो से दिखाया गया है किस प्रकार से पैरामीशियम किस गति किस तरफ मूव कर रहा है। दूसरे डायग्राम में दो आ रहा है, फिर तीसरा डायग्राम देखिए, फिर वो वापस उस तरह मूवमेंट कर रहा है, फिर चौथा, फिर पांचवा। ये एक स्टेप वाइज मूवमेंट है जिसके अंदर पैरामीशियम लगातार मूव करता रहता है। इस टॉपिक में पैरामीशियम का प्रचलन के बारे में स्टडी खत्म होती है। इसकी आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।